अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मौसम इतना अच्छा हो रहा था, बारिश भी हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा है क्यों ना कहीं आज बाहर का प्लान बना लिया जाए। यहाँ पे मैं अपने लॉन में आके देख रही हूँ कि कितने रोजेज निकले हैं। तो जी, दो तीन ही थे, बाकी जो सारे थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो खैर, आज मैं अपना बाहर मौसम देख रही थी तो हम लोगों ने सोचा कहीं बाहर का प्लान बना लेते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि बाहर कहीं घूम फिर के आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोच ही रहे थे कि अभी कहाँ जाया जाए, कहाँ जाया जाए, कोई ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल रश ना हो। तो हम लोग यहाँ लाहौर के बहुत ही ज़्यादा फेमस जो इलाका है, जो लाहौर के रहने वाले हैं उनको तो पता चल गया होगा ये कौन सी जगह है। जी, हम डिफेंस राया में आए थे। यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ी देर घूम फिर लेते हैं, मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था। लेकिन मौसम अच्छा होने की वजह से और वीकेंड की वजह से रश भी बहुत ज़्यादा था। वीकेंड को इस तरह होता है, मोस्टली फैमिलीज ही आई होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों का रश था। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे हम लोगों को सिटिंग की जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पे हम कुछ खाना खा सकें, रेस्टोरेंट्स भी सारे फिल थे। हम लोगों ने सोचा कहीं और जाके कहीं देखते हैं कि कहीं खाने की जगह मिल जाए हम लोगों को। तो हम यहाँ से बस पार्किंग एरिया में आए थे, तो हमने सोचा यहाँ से बस निकलते हैं। तो हम लोग वहाँ से निकले और वहाँ से निकल के हम लोग फिर कुछ खाने पीने के लिए आ गए। यहाँ पे हम लोगों ने और जब यहाँ आए हैं ऑर्डर किया है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम लोगों को इतना वेट करना पड़ा। वीकेंड की वजह से इतना ज़्यादा रश हो जाता है हर जगह पे कि कहीं भी कुछ ना जगह बैठने की मिलती है, ना कहीं घूमने को कुछ मिलता है। तो बस जी, यहाँ पे हम लोगों ने वेट किया थोड़ी देर और फिर हम लोगों ने ऑर्डर दिया। तो जी, यहाँ पे हम लोगों ने अपने पिज़्ज़ास मंगवा लिए। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि पहले स्नैप बनाना भूल गई, मैं व्लॉग ही नहीं बना सकी अपना। तो जी, जल्दी से जो क्लिप बन सकी वो मैं बना ली। मुझे पता है मेरा बहुत ही छोटा व्लॉग है, व्लॉगिंग मुझे नहीं आती, तो बस जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना चाहो मैंने कर लिया। तो जितना मेरे से हो सका मैंने उतना किया। यहाँ पे हम लोग जी वापस आ रहे थे, ये दिन ख़त्म होता है और अगले दिन ही हम लोगों ने सोचा कि आज भी मौसम अच्छा है तो हम लोग कहीं शॉपिंग के लिए निकलते हैं। ईद के बाद शॉपिंग करने का इतना कोई चांस ही नहीं हुआ, तो हमने सोचा फ्री बैठे हुए थे तो हम लोगों ने सोचा कहीं शॉपिंग करने चलते हैं। मौसम भी अच्छा था तो इसलिए बस घर में बैठे बैठे तो वैसे ही बंदा बोर हो जाता है। तो हम लोगों ने यही सोचा है कहीं बाहर शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग रास्ते में हैं, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हर जगह इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि कहीं जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लगते हैं कि जब जिस दिन भी हम जा रहे हैं उस दिन ही सब लोगों ने जाना होता है। तो बस हम अब यहाँ पे पहुँच के मैं आपको नेक्स्ट मार दिखाती हूँ स्पॉट। यहाँ सबसे पहले हम लोग आ गए थे क्रॉकरी देखने के लिए। यहाँ मैं अपना जग देख रही हूँ, इतना खूबसूरत जग था और इसके साथ ही ग्लासेस भी थे। ये कोई मतलब बहुत ही डिफरेंट था, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, तो हम लोगों ने सोचा कि ये भी ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे थे डिनर सेट वगैरह, सूप सेट, टी सेट, यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे आए हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे भी जग का सेट था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो हम लोगों ने कुछ ही यहाँ से क्रॉकरी की शॉपिंग की थी और बाकी ये मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर डिनर सेट पड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ कप वगैरह ले लिए थे जो हम लोगों ने घर में इस्तेमाल करने थे, कुछ ग्लास जो थे वो ले लिए। तो इस तरह से जो घर के लिए कुछ शॉपिंग होती है जो हमने घर में अपने लिए इस्तेमाल करनी है वो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे थे। यहाँ मैंने कुछ प्लेट्स वगैरह देखी हैं और कुछ बाउल्स मैं देख रही थी। हर तरह की चीज़ यहाँ पे आई हुई है, मतलब जब भी जाओ तो न्यू वैरायटी आई होती है, तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें अच्छी लगती है। क्रॉकरी शॉपिंग तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मोस्टली जो है वो डिकोर पीसेस भी पड़े होते हैं, थोड़े थोड़े रखे होते हैं लेकिन होते हैं इनकी शॉप पर जब भी हम यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे अपने लिए शूज़ देख रही थी। जितने ज़्यादा गर्मी है हमारे पास स्लीपर्स जितने हो उतने कम हैं, तो यहाँ पे मैं अपने लिए देख रही थी शूज़, लेकिन कोई इतनी अच्छी वैरायटी नहीं आई हुई थी। लिटरली कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कहाँ आ गई हूँ, कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आ रही यहाँ पर। और ईद ख़त्म होने के बाद भी मेरा जो चूड़ियों का शौक है ये ख़त्म नहीं हुआ। तो फर्स्ट ही मैंने यहाँ पर देखी तो सही, लेकिन मेरे लिए मतलब ज़रूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ से चूड़ियाँ नहीं ली। और मैं आपको दिखा रही थी कितनी कलरफुल सी चूड़ियाँ आई हुई हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारी शॉपिंग बस ख़त्म हो गई थी, तो जाते जाते हम लोगों को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। मैंने अपने लिए यहाँ पर मिंट मार्गरीटा बनवाया और वो मैंने यहाँ से पिया।
तो जी बस यहाँ से हम लोग घर वापस जा रहे थे, थक हार के, जितनी शॉपिंग हो सकी उतनी कर ली, और मौसम सिर्फ अच्छा होने की वजह से हम लोग आए थे शॉपिंग करने के लिए। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में या अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।